चुनावी रफ्तार को पकड़ने, जनता का मूड भापने, क्या बोले भारत के इस अंक में हम आज आपको लेकर चलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर की मेरठ, शामली, बागपत और जेवर जहां पर की हम हैं इस वक्त, वो सब इलाके आते हैं। और ये इलाके इसलिए भी बहुत ही अहम हो गए हैं इस चुनाव में, खासकर क्योंकि विपक्ष एक मुद्दा बनाता रहा कि किसान जो है वो नाखुश हैं, कुछ किसान धरने पर भी बैठे हुए दिखाई दिए। और ये जो पूरा इलाका है जिसकी हम बात कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, ये कृषि प्रधान इलाका है, यानी किसान यहाँ बहुतायत में है। तो हमने सोचा क्यों ना जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं, और इसीलिए हमने इस कार को भी चुना अपने डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, तो जरा किसानों के बीच जाकर के आज चौपाल लगाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में किसान नाखुश हैं और इस इलाके का जो विकास, क्योंकि जिस एक्सप्रेसवे से हम जा रहे हैं, चाहे मेरठ हो या जेवर हो, इन दोनों ही जगहों पर कहा जा रहा है विकास की परियोजनाएं बहुत सारी आई हैं। तो सच्चाई जानने के लिए आइए हम जरा चलते हैं लोगों के बीच, किसानों के बीच, और जानते हैं सच्चाई है क्या। आइए, सोचा कि बात करें तो आइए आप लोगों से बात करते हैं। आज तो बिल्कुल गांव जैसा माहौल भी है और किसान भाई हमारे साथ यहां मौजूद है, क्योंकि हमारी कोशिश है कि किसानों से बात करें और ये भी देखने की कोशिश करें कि आखिर जिस विकास की बात की जा रही है, चाहे वो एयरपोर्ट बनना हो या फिर की तमाम अलग अलग योजनाएं हो, वो यहाँ तक पहुंच भी पाई हैं या नहीं, तो जरा इन्हीं की जुबानी सुनते हैं इस बार चुनाव में क्या मिजाज है यहाँ के लोगों का। आइए, जब हम किसी ग्रामीण इलाके में आते हैं तो शाम के वक्त कुछ ऐसा ही नजारा, ऐसा ही माहौल दिखाई देता है। चौपाल सज जाती है और गाँव के जो दोस्त है और बुजुर्ग है वो सब एक साथ चाय की चुस्कियां भी लेते हैं, एक दूसरे से सुख दुख भी बांटते हैं, और ये माहौल ऐसा है जो हमें सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही दिखाई देगा, क्योंकि शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में अब लोगों के पास उतना समय नहीं होता, लेकिन यहाँ पर समय निकाल लेते हैं लोग, और इसीलिए एक चौपाल यहाँ भी सजी हुई है जहाँ हम भी पहुंच गए हैं। तो जरा चौपाल का हिस्सा हम भी आज बन जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अब चौपाल आपकी जो लगी है चुनाव पर भी चर्चा हो रही है। क्या नाम है आपका? सुरेश शर्मा नाम है मेरा। सुरेश जी, माहौल तो बन गया चुनाव का, यहाँ भी कुछ आहट है? हाँ जी, मोदी जी के सिवा यहाँ कोई और दूसरा आहट अभी नहीं सुनाई दे रहा। अच्छा जी, क्या वजह? वजह क्या, उन्होंने विकास ही इतने करे हैं हमारे राज्य में, योगी जी ने, और केंद्र में मोदी जी ने, और हमारी विधानसभा में धीरेन्द्र सिंह जी ने। अच्छा। हाँ, उनके सिवाय, और जब से इनकी सरकार आई है जब से ही विकास आया हमारे यहाँ, तो जब से ही विकास की गंगा बह रही है। विकास, आप किसको विकास मानते हैं? हमारे यहाँ एयरपोर्ट है, डिवाइज पार्क हैं, 3-3 डिग्री कॉलेज हैं, हॉस्पिटल बनना है हमारे यहीं बगल में जो आज तक नहीं था, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ बहुत, और गांवों में जो गली मोहल्ले सब में सारे हर गांव में विकास है, हर गांव में विकास है जी। राहुल गांधी और कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं युवाओं के लिए तो कुछ काम ही नहीं हुआ। मुझे आप युवा लग रहे हैं। जब से आप प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ जी आए हैं और हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जब से इतना क्षेत्र में विकास हुआ है कि विकास की तो इतनी गंगा बह गई है कि आज तक 2017 से पहले हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में, प्रदेश में इतना विकास होगा कि जो युवा रोज, हमारे गांव में ऐसी गलियां थी कि पैदल नहीं निकल पाते थे लोग, और अब पेट का पानी नहीं हिलता है। ऐसी ऐसी विकास हो गया, ऐसी ऐसी रोड बन गई हैं, आपको प्रत्यक्ष के प्रमाण की कोई जरूरत ही नहीं, आप देख रहे हैं। सबको ऐसा लगता है कि विकास है, सबको ऐसा लगता है विकास हो रहा है। विकास हो रहा है, हो रहा विकास। आप विकास किसको मानते हैं? सारी चीजें विकास हो रहा है, सबसे ज्यादा हाईवे भी, सबसे ज्यादा हाईवे भी बन रहे हैं, चाहे सेना के लिए विकास हो रहा है, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ, चाहे स्वास्थ्य मान लो, रेल मार्ग मान लो, हाईवे मान लो, कुछ भी, सब चीज में विकास है, और जो ग्रामीण का अंतिम छोर है वहाँ तक विकास पहुँच रहा है।
आप लोगों में से कुछ लोग किसान भी हैं? हाँ, किसान ही हैं। सब किसान हैं। बीच में हमने देखा कि किसान जो है बॉर्डर पे दिखाई दिए, किसानों ने कहा हमारे लिए MSP को लेकर के और कुछ काम नहीं हुआ, उसमें कितनी सच्चाई? नहीं, किसानों को तो हमने खेतों से ही फुर्सत नहीं है, किसान कहाँ जाएंगे कमाने के लिए? किसान तो अपने खेतों में बैठे हैं, वो तो एक वैसे बैठे हैं किसानों के नाम पे, अपना कारोबार चला रहे हैं। अच्छा, कारोबार चला रहे हैं जी, मतलब नकली किसान मान? हाँ जी बिल्कुल। इसमें क्या, किसानों को ये बैठा कि इनको टाइम है, खेतों में लग रहे हैं, सबकी फसल ठाड़ी है, कौन जाए किसान को जो अपने खेत खेत को संभाल रहे हैं, वो क्यों जाएंगे वहाँ? टाइम ही नहीं किसानों के पास में। 500 रुपये लेते हैं वो, दे देते कांग्रेस, कांग्रेस को देते हैं 500 रुपये, वहाँ पहुँचा देते हैं आराम से, वहाँ पहुँचता है, उन्हें खाना मिलता है बढ़िया। नहीं किसानों क्या, किसानों को तो लेहटा और वो पानी लगाते हैं लेहटाओं में, उनको क्या, उनसे फुर्सत ही नहीं है, ये सब कांग्रेस करा रही है। तो ये जो MSP की बात हुई है उसकी सच्चाई क्या है, ज़रा मैं ये भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि MSP को लेकर के बड़ी बात हो रही है कि MSP किसानों को कितनी दी जाए, कैसे दी जाए, तमाम ये बातें हैं। ये किसान क्या वोट बैंक बन गया है क्या? जी मैम, आज के टाइम में किसान वोट बैंक बना लिया है सभी पार्टियों ने अपने लिए। तो किसान एक्चुअल में तो क्या है, सब अपने घर है, जो किसान है वो खेती में लगा हुआ है। इस टाइम फसलें रेडी हो रही हैं, फसल पकती जा रही हैं, तो किसान को इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपने खेत को छोड़े। उसके पास तो सारी व्यवस्था अपने खेत में लगे रहने के सिवा कुछ भी नहीं है। फसल पक चुकी हैं, उनको कटवाना है, उनको कहाँ इकट्ठा करना है, कैसे नई तैयारी करनी है, कैसे बीज की, अब आलू निकल रहा है खेतों से तो आलू को कहाँ स्टोर करना है, सारे ट्रैक्टर वहाँ लगे हुए हैं, हमारे शामली नोएडा ये सारा ऐसा खेत क्षेत्र है हमारे यहाँ जहाँ आलू गेहूँ की फसलें अधिक पाई जाती हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि अब तो हमारे पास लेबर भी नहीं मिल रही है, क्योंकि लेबर को सब कहाँ ले गए हैं, लेबर को 500 रुपये मिल रहे हैं, हम लोग इतना दे नहीं सकते। अच्छा, तो मतलब वो लोग वहाँ पे लेबर लेकर गए हुए हैं और लेबर को पैसों पर वहाँ किसान बनाया जा रहा है। जी जी जी, हमारे पास तो है नहीं, हमें तो खुद ही लगना पड़ रहा है, रात को भी खेती में रहते हैं, दिन को भी खेती में रहते हैं, आपने देखा भी है हम सब लोगों का हाल कैसा है। और वहाँ जो लोग हैं सबकी प्रेस टूटती नहीं है, वहाँ तो सब AC लगा रखा है, सब ने ये कर रखा है, हम लोगों के पास कहाँ है ऐसा व्यवस्था है। गौतम बुद्ध नगर के लिए चारों तरफ से हाईवे ने जो घेर लिया, एक हम जो सेंटर पॉइंट बन चुके हैं, हमारे यहाँ एजुकेशन हब बन चुका है। हम लोग एजुकेशन के लिए तड़पते थे, कहाँ जाते थे, कोटा कोचिंग करने के लिए दिल्ली जाते थे या बेंगलोर जाते थे, आज हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष से हमारे यहाँ बच्चे आके पढ़ते हैं। तो हम लोग तो इसमें खुश हैं कि हमारे यहाँ एजुकेशन आया। अब मैं देख रही थी पीछे से आप कुछ कह रहे थे। हाँ। मैंने कह रहा हूँ राम राज आएगा। अच्छा। हाँ। कैसे? योगी ने, मोदी ने राम राज कर दियो। पहले क्या था? पहले तो गुंडागर्दी खूबी, वो अखिलेश के राज में तो सरेआम गुंडागर्दी हुई, अब ठीक है राम राज है। अब ठीक राम राज है। देखिए उत्तर प्रदेश का जो युवा है वो क्या सोचता है, ये मैं जानना चाहती हूँ, युवाओं के दिल में क्या है? उत्तर प्रदेश का युवा सोचता है कि मुझे रोजगार मिले, काम अच्छा, वैसे योगी मोदी की सरकार में अच्छा हो रहा है, बस उसका एक मुद्दा है रोजगार का। रोजगार का क्या है, कंपनियाँ आ रही हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे जेवर क्षेत्र में बहुत कंपनियाँ हैं, बट रोजगार नहीं है। क्यों नहीं है, लोकल के बंदे हैं हम, जाते हैं, अगर हम दूर का आधार कार्ड या अपना एड्रेस बनवा लेते हैं तो हमको नौकरी है, और अपने हम यहाँ के हैं तो हमको नौकरी नहीं है। या तो आप किसी से सिफारिश करवाओ या किसी से बुलवाओ, बड़े लेवल पे स्तर पे जाओ तो हमको नौकरी मिलेगी, वो भी उसमें सोचा जाएगा कि कॉल करके बताएंगे, हम कंपनियों में जाते हैं तो बोल देते हैं अरे आप तो लोकल के हो, यहाँ का नहीं है। 100 किलोमीटर दूर का बंदा है उसको नौकरी मिलेगी, बट लोकल को नौकरी नहीं है। नौकरी एक मुद्दा है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जो जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सब भ्रष्टाचार करते हैं। अगर मान लीजिए आज कोई विपक्ष में, अखिलेश यादव है विपक्ष में, आज वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, सबसे ज़्यादा बेईमान है, कल को वो इससे BJP से गठबंधन कर देगा तो बिल्कुल पाक साफ है। बस और क्या, आप लगा लीजिए, मैं अपने ज़िले से कह रहा हूँ, जो मोदी जी को धो धो के गाली देते थे आज वो BJP में, ठीक है। और दूसरी चीज़, हाँ मोदी जी ने सबको, जो भ्रष्टाचारी हैं वो सारे जेल में हैं, जो जिसकी जो स्थान है वो जेल में है। केवल BJP एक मानसिकता, मतलब जातिवादी की राजनीति करती है और कुछ नहीं। जातिवादी? हाँ जातिवादी की राजनीति करती है बेकल, और स्वर्णा को तो खोटे घर से काट रही है। अच्छा, नहीं नहीं, 36 बिरादरियों की वोट मिल रही है उन्हें, एक बिरादरी से कोई भी नेता या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बनता, उन्हें 36 बिरादरियों का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ लेकर नीति से काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो अब इन्होंने ऐसा मुद्दा उठाया, इस पर जरा बताइए क्या लगता है? ऐसा कुछ भी नहीं है मैम, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलती, अपनी जान बचाने के लिए वो क्या है, कभी तुम्हारे पाम पकड़ लिए, ये बड़े बड़े जो अखिलेश जी हैं ये क्या करते हैं कि लोगों को पैसे से खरीदते हैं, बात करते हैं हम तुम्हें 10 करोड़ देंगे, दे नहीं पाते 2 करोड़ भी, तो बंदा फिर उल्टा आता है।
ठीक है, इनका कहना है कि बीजेपी में जाते ही भ्रष्टाचारी खत्म। भ्रष्टाचारी ऐसा कुछ भी नहीं है, धारा सिंह चौहान पे ढूंढो पहले कितने मुकदमे थे, कोई है? कोई मुकदमा नहीं है उनपे। केशव प्रसाद मौर्य, क्या नाम है ये जो मौर्य था जो साक्षात रामायण को और उनको करता था, वो पहले बीजेपी का, तो आपको नाम तो पता नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ दिया। आजम खां को कहां लिया है? आजम खां जेल में है ना आज। मुख्तार अंसारी को देखो, जो जांच का विषय वो कीजिए। आज भी सुनो, कभी कभी मौर्य ने तो छोड़ दिया समाजवादी पार्टी, वो समाजवादी पार्टी अभी छोड़ी है उसने केवल। और ये सोचिए मैडम, जो भाजपा से मतलब भाजपा में शामिल हो जाता है वो बिल्कुल साफ है, लेकिन यार जो नहीं आता ना, हम लोग गंदे लोगों को जेल में डालते हैं, और फिर क्या है, जो लोग साफ होते हैं वो सही जगह आ जाते हैं, जो गंदे हैं उनको जेल जाना ही है, उनको तो जेल जाना ही है। देखो आजम खान, देखो आज जेल के अंदर है, जो समाजवादी पार्टी सरकार आजम खान की दूती बोलती थी, और उसकी जब भैंस भी चोरी होगी तो उत्तर प्रदेश पुलिस उसको भैंस को ढूंढ कर आती, और आज देखो जेल के अंदर है। ये उत्तर प्रदेश योगी जी का राज है, राम राज जो ये कह रहे हैं वो जांच का विषय है, वो सरकार का नहीं, जांच कर रही है। अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो वो जेल के अंदर जाएंगे, ये बाबा की सरकार है। आप भी कुछ क्या, आपको भी ऐसा ही लगता है जो बात कह रहे हैं? सही कह रहे हैं बिल्कुल, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, अब वो दूसरी पार्टी ने भ्रष्टाचार करे उन्होंने, वे आज सब बीजेपी ने ग्रहण कर लिए। हाँ जी, क्या लग रहा है? भ्रष्टाचारी तो आ गए हैं इसमें, जो बागी थे वो भी घुस गए हैं इसमें बीजेपी के अंदर। तो आखिर क्यों ले रही है भ्रष्टाचारी इनने, जब वो भ्रष्टाचारी है, मान लो कांग्रेस में या किसी में भ्रष्टाचार करे हो, तो उन्हें क्यों शरण दी जा रही है? उन्हें शरण नहीं देनी चाहिए, ये पार्टी के अंदर कमी है। ऐसा है कि मैंने आज कोई गलती कर दी, अगर मुझे कल मौका सुधरने का मिल जाए तो सुधरने का मौका दे रही है बीजेपी के, सुधर जाए, नहीं तो वो जेल में है ही हैं जो सुधरना रहे, जो सुधर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, अपना टिकट ले रहे हैं। रही भाई, अभी एक बच्चे ने बताई कि यहाँ नौकरी की, हमारे यहाँ या तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, पहले यहाँ उस पढ़ाई की व्यवस्था ठीक नहीं थी, या इनको नौकरी चाहिए घर पे, घर से जाए नहीं और तनख्वाह हर महीने मिले, यानी जिसके लिए नौकरी है उसके लिए नौकरी भी है, ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। लोकल के कौन सा लगा रखे नौकरी में, कौन सा आदमी लोकल में? हमारे यहाँ पे 2000 कंपनियां हैं, लोकल के लिए अभी भी नौकरी नहीं है यहाँ पे, उसको बिल्कुल मना कर दी जाती है कि लोकल के लिए कोई नौकरी नहीं है। बेरोजगार मित्र सबसे पहले यहाँ पर, और भ्रष्टाचारी भी है, जो भ्रष्टाचार क्रम में आदमी थे और पार्टियों में, वो आज बीजेपी में आ गए। आप बताने के लिए सुंदर नागर है, अरे भाई सुंदर नागर है जिसका कई लाख के रोज की आमदनी है, किस लिए आया सरकार में, वो किस लिए आया बीजेपी में? वो भाई शर्मा है, साइकिल चल के आया था राजस्थान से, आज 6-8 हॉस्पिटल है उसके, क्या कर रहा है बीजेपी में आकर के, कहाँ से आई कमाई है, कहाँ से आई नहीं, उससे डॉलर है कोई, साइकिल आदमी यहाँ साइकिल से आया था राजस्थान से, आज हॉस्पिटल है। अच्छा, इनका पॉइंट है कि जो सांसद जो पहले बहुत गरीब थे, जो बिल्कुल साइकिल से चल के आते थे, आज करोड़पति कैसे बन गए? करोड़पति है वो, कहाँ से बने उसके बाद? और बेवकूफ रहा जनता का वो, भाई शर्मा कहते हैं क्षेत्रवासियों के लिए 25% का डिस्काउंट है, जब 1 लाख का बिल 1.5 लाख पहले बना के रख दिया, 25 छोड़ दिया, जी 25,000 जब भी होगी उनकी। ये एक पॉइंट है, कहाँ गए वो जो आप बोल रहे थे? देखिए इतना अहम मुद्दा इन्होंने उठाया है, तो ये मुद्दा है या नहीं है कि सांसद जो होते हैं साइकिल पर आते हैं और उसके बाद अरबपति बन जाते हैं? ये ऐसा है, ये सांसद जी तो हमारे यहाँ, इनको तो जो जिताया जा रहा है वो मोदी जी के नाम पे जीत रहे हैं, ये अपने नाम पे इन पे कुछ नहीं है, इनको अपने नाम पे कुछ नहीं है, ये तो अपने नाम पे कुछ नहीं है, ये तो मोदी जी के नाम पे जीत रहे हैं, योगी जी के नाम पे जीत रहे हैं, इन्हें योगी मोदी से हटा के निर्दलीय लड़ा लो या किसी और पार्टी से लड़ा लो, पता लग जाएगी। मतलब वोट तो मोदी जी के नाम पर मिल रहे हैं, मोदी जी के नाम पर मिल रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं। अच्छा एक और बात है, मोदी जी ने कहा कि पूरा भारत ही मेरा परिवार है, ये लगता है? ये तो सही है कहना, ये तो सही है, परिवार का है। और जो आदमी अपनी माँ की अर्थी दासिका के बाद में वापस सीट पर अपने हाँ दिल्ली में आ गया, वो तो बात सही है उनकी। अब अगला मतदान सुन लीजिए, मैं जो क्षेत्रों को हमने बाहर ज़मीनें खरीदी हैं, ठीक, वहाँ ओलावृष्टि होती है, अरे भाई रुको 1 मिनट, वहाँ ओलावृष्टि होती है, वहाँ के लोग क्या कहते हैं, ये पैसा बाहर वालों के लिए नहीं है, ऐसा क्यों है? क्या बात है? मिर्जापुर अधिग्रहण को 2009 में अधिग्रहण हो चुका था ना, तो यहाँ मोदी जी कहते हैं खेलो इंडिया, बच्चे बढ़ेंगे, युवा बढ़ेंगे, एक खेल का ग्राउंड नहीं है इस गांव में। और एक मेन समस्या बता दूं, मेन किसानों की, जब हमारी जमीन गई थी उसके एवज में हमें 7% प्लॉट मिला था,
लोगों को आज तक वो प्लॉट नहीं मिल पाए, लोगों ने वो 5,000 रुपए मीटर में, अगर वो जभी मिल जाते तो उसका रेट था 50,000 रुपए मीटर। किसान तो घाटे में चला गया ना, किसान घाटे में है क्या अभी? तो किसान बहुत खुश थे, किसान तो बहुत बात कर रहे थे कि सारे किसान बहुत खुश है। किसान खुश है जी, बिल्कुल बिल्कुल, किसान घाटे में है, खुश नहीं है किसान घाटे में, क्योंकि उसको क्यों नहीं दिया जा रहा प्लॉट? एक चीज डिसाइड कर लीजिए, खुश है या नहीं है? नहीं, किसान खुश है, खुश है, इस सरकार से अच्छी तरह से संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, किसान खुश है, इस सरकार में किसान खुश है। और अब से पहले क्या था, प्रधानमंत्री जब चुने जाते थे तो सांसद चुन के जाते थे क्षेत्र से, क्षेत्र से सांसद चुन के जाते थे जब प्रधानमंत्री चुने जाते थे। अब क्या है, अब प्रधानमंत्री जी के नाम पर सांसद चुने जा रहे हैं हमारे क्षेत्र में, ये है या नहीं बताइए? यहाँ क्या है, भाजपा के राज में, मोदी जी के राज में, यहाँ सांसद जो है मोदी जी के चेहरे को लेकर के फ्री में बन जाते हैं। अच्छा नहीं, पहले मुझे बताइए कौन कौन है जो मानता है कि सब लोग मोदी का परिवार है, आप क्या मानते हैं? मोदी का परिवार, मोदी का परिवार, हाँ जी। जो बात लालू यादव ने बोली वो गलत बोली आपको लगता है? वो गलत बोली, और स्मृति ईरानी जी ने जवाब भी दे दिया था उसका, क्योंकि हम सब पूरा हिंदुस्तान मोदी का परिवार है। अगर सरकार चाहे तो प्रत्येक किसान के घर में एक बच्चे को नौकरी दी जाए तो बड़ा भला परिवार चल सकता है आराम से। जबकि हमारे यहाँ हमारी ज़मीनों में जो भी फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ बन रही हैं, यहाँ लोकल व्यक्ति को कोई भी नौकरी नहीं दी जा रही, ये बहुत बड़ा चीज़ है हमारे दिमाग में, बहुत बड़ा कष्ट है हमारे लिए। अभी बच्चे, अगर अभी का एक छोटा सा उदाहरण दूँ मैं, अभी यहाँ ग्रेटर नोएडा में एक बालक निकाल दिया कंपनी से कि इसका आधार कार्ड फर्जी है। वो दो वक्त की रोटी के लिए कहीं से आधार कार्ड कैसे बनवा लाया, एड्रेस दूसरा किसी अन्य ज़िले का, बाहर ज़िले का डलवा दिया उसने, तो उसके कारण उसको बाहर कर दिया, क्योंकि वो हमारे गांव का बच्चा था, गरीब परिवार का बालक था। ये सबसे बड़ी मेन समस्या है, और ये चीज़ हमारी आगे तक जानी चाहिए, क्योंकि हमारा क्षेत्र अगर पिछड़ रहा है तो इन्हीं कारणों से पिछड़ रहा है, लोकल बच्चों के लिए कुछ नहीं है। तो एक मुद्दा जिसको लेकर यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग व्यूज हैं, वो है जाति को लेकर मुद्दा बनना चाहिए या नहीं। आपको लगता है जाति मुद्दा है इस चुनाव में खड़े हुए? नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, नहीं है, नहीं। राहुल गांधी के लिए है, वो लगा रहे अपने दिमाग में, फिलहाल वैसा कोई मुद्दा यहाँ पे नहीं है। एक तरफा भाजपा के लिए वोट है, योगी मोदी के नाम पे वोट है, हमारी विधानसभा से, लोकसभा से भी। जाति कोई मुद्दा नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होगी तभी सबको हक मिलेगा। नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है। आपको क्या लगता है पहले में और अब में कुछ अंतर आया? पहले अच्छा था, क्या बदलाव है? नहीं देखिए, बदलाव बहुत आया है। SC एक्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे और आदरणीय मोदी जी ने वो बदल दिया। बताइए, इतने झूठे मुकदमे, आप सर्वे कराइए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर कोई प्रधानमंत्री बदल रहा है, उसमें जो स्वर्ण कास्ट है वो अधाधुंध पीसी जा रही है। कोई भी ऐसी एक्ट किसी पर भी, अगर मान लीजिए पैसे का लेन देन है या कोई भी बात है, एक उन्हें ऐसा हथियार मिल गया सामने से मारने का, एक तो गोली का हथियार तो चमकता है पर ऐसी एक्ट का मानना नहीं चमकता है। सबसे लगता है सही हुआ गलत? गलत हुआ ये जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। आप सर्वे तो कराइए, कौन पक्ष पिस रहा है इसमें, कौन नहीं पिस रहा है, 99% झूठे मुकदमे। जाति के लिए जो बोलते हैं ना कि जाति के लिए मुद्दा बनाते हैं, जाति के क्या मुद्दा है बताओ, इसीलिए उनके लिए पप्पू बोलते हैं, बताओ। वो तो सबके बीच घूम घूम कर न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। कहाँ निकाल रहे हैं? सबके बीच में जा रहे हैं, कहीं भी ना आए, हमारे यहाँ तो ना आए अभी तक। कांग्रेस की मैं क्या कहूँ, बताओ कांग्रेस पार्टी का क्या लग रहा है अब भविष्य? मैम क्या है कि आज की डेट में युवा इतना जागरूक हो गया है, सबे पता है, सबके सामने आ रहा है, ठीक है। हमारे बड़े बूढ़े हमसे अलग कहाँ जाएंगे, अब हमारे सामने खुद ये आ रहा है कि हमारी बहन बेटी बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं, अकेले कहीं जा रही हैं, कहीं आ रही हैं, रात को 10 बजे 12 बजे कोई कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो ये हमें भी दिख रही है, जहाँ चीज़ में हमें सुविधा मिल रही है तो हम भी उनके साथ हैं, सीधी सीधी बात है, ठीक है। आपको लगता है कि सुरक्षा अच्छी हुई है? बिल्कुल सुरक्षा अच्छी है, ये मुद्दा है, हाँ जी। इसमें जाति बात का इसमें कोई मैटर नहीं है, वो कुछ भी बना रही। आप जब वोट डालने जाएंगे आपके लिए क्या मुद्दा है इस चुनाव? हमारे लिए ये मुद्दा है कि हम सुरक्षित हैं जी, ठीक है, विकास अच्छा हो रहा है हमारे यहाँ पे, जहाँ भी हमें ज़रूरत है, हमारे जो ठाकुर धीरेन्द्र सिंह हैं, जहाँ भी चाहते हैं, जहाँ ज़रूरत है वो खड़े मिलते हैं, उसी आधार पे हम उनके साथ हैं, ठीक है। बाकी वोट भी दे रहे हैं और ना हैं जातवाद के पीछे हैं, बाकी और हैं ऐसे यहाँ लोग बहुत हैं जो 500 रुपये में लेके जा रहे हैं, हमारे गाँव से भी गए कुछ लोग किसानों के साथ, किसान है को तो बिक रहे हैं, किसानों को ले जाके 500 रुपये में किसान बिक रहा है, सीधी सीधी बात है, बदनाम तो हम लोग रहे हैं। पहले ये माना जाता था कि इलाके का सांसद जो प्रतिनिधित्व करता है उसके नाम पर वोट पड़ता है, लेकिन अब पिछले 10 साल में जो बात हुई है वो अलग से हो गई है।
और अब सांसद पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के नाम पर वोट पड़ते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सच्चाई है। दरअसल कारण है उसमें कि हमारे सांसद महोदय जो हैं, ये आज 5 साल में आज हमारे गांव में आ रहे हैं, सुना है मैंने, आज गांव में आ रहे हैं, तो ये प्रचार अब चुनाव का समय चल ही रहा है, तो ये भोली जनता है, इसे कैसे भी गुमराह करते रहें। बात मोदी जी की है, लक्ष्य हमारा एक ही है, केवल शीर्ष नेतृत्व का पर ही ध्यान है, लक्ष्य हमारा वही है। चाहे ये डॉक्टर साहब भी ना होते, अंध कोई भी व्यक्ति होता, मैं समझता हूँ कि कोई लकड़ी को भी अगर मोदी जी के नाम पर हमारे क्षेत्र में खड़ा कर दो तो सांसद बनाकर जिता कर भेजेंगे। क्या वजह इसकी? वजह शीर्ष नेतृत्व और राष्ट्र हित का जो काम कर रहा है उसका है, केवल और सिर्फ मोदी जी का है, क्योंकि मोदी जी वो शानो शौकत हैं हमारी, हमारे एक जमीर, हमारी एक ऊर्जा, हमारी एक बहुत बड़ी ताकत, हमारे सनातन धर्म की भी ताकत और एक मानवीय व्यवहार की भी ताकत, सबका भला और सबका विश्वास और सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ, एक केवल मात्र एक यही पार्टी है भाजपा और सिर्फ मोदी। राम मंदिर की उत्तर प्रदेश में खूब इस बार चर्चा हो रही है, राम मंदिर के नाम पर वोट भी पड़ रहा है, राम मंदिर आपके लिए मुद्दा है? जी, अब तो कोई मुद्दा नहीं रहा, पहले तो कांग्रेस वाले बार बार कहते थे कि राम मंदिर बना कर देखें, कांग्रेस वाले ने तो कभी चाहा ही नहीं कि राम मंदिर बने, ये तो ताकत भाजपा की तो रही, हमारी जमीर को भांपते हुए हमारे जो सम्मान में जो आज राम मंदिर बनकर खड़ा हुआ है, तो हमें बहुत बड़े फख्र की बात है आज, और इसी कारण हम मोदी जी के साथ हैं। अच्छा। कि बीजेपी ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ो, बीजेपी ने यूँ छोड़ो, आज हमारे बालक अगर किसी भी फैक्ट्री पर जाते हैं तो हम लोकल कर निष्कास कर दिए जाते हैं, वहाँ से तुरंत निकाल दिए जाते हैं, हमारे बात चिन्ह कोई 2 रुपया की नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। क्या किया ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं, नोएडा में इतनी कंपनी आई है, किसके लिए आई है बताइए बताइए। नहीं ऐसा है सुनो एक भी बात, बच्चे नौकरी देने के तैयार नहीं है, हमारी जमीन चलेगी, हमारे सब सौदा जो हमारे तो खत्म कर दियो, अरे अब वो पैसा हमारा खत्म हो गया, अब हम कहाँ जाएं, हमें नौकरी देने के लिए एक तैयार नहीं है। नौकरी का मुद्दा है जी, अगर देखिए हमारे इस गौतम बुद्ध नगर में और हमारी लोकसभा विधानसभा हमारे पूरे जिले गौतम बुद्ध नगर में कंपनियां हैं, कम से भी कम 2 से 2500 कंपनियां हैं, सारी कंपनियों का यही एक नियम है कि आप लोकल हैं और आपको नौकरी नहीं मिलेगी, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर के बंदे को नौकरी मिलती है, 10 किलोमीटर दूर के बंदे को नौकरी नहीं मिलती है, हमारे बच्चे सब बेरोजगार हो गए, आप तो लोकल हो, हमारे बच्चे वहाँ कस लेकर जाते हैं जैसे पूरा उल्लेख, हम यू कहे हमें नौकरी दे जिसको औकात के हम है, मान लो हम गार्ड की नौकरी करने लगे तो गार्ड की दो, हमारा इंटरव्यू लियो जिस लायक है, हमें नौकरी मिलनी चाहिए हमारे बच्चे ने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हमने जानने की कोशिश की कि इस चुनाव में इनके लिए मुद्दा क्या है, क्योंकि किसानों के लिए कुछ और मुद्दे हैं, जाति का मुद्दा है या नहीं, इन सब पर भी बेबाक तरीके से यहाँ पर बातचीत हुई, थोड़ी सी बहस भी हुई, लेकिन लोकतंत्र में ये तो चलता ही है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आज का ये सफर इतना ही, अब हम चलेंगे अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ और आपको दिखाएंगे कि आत्मनिर्भर भारत से लेकर वोकल फॉर लोकल तक आखिर क्या बदला है, और खासकर जो जनता का मिजाज है जिसे जानने के लिए हमारा ये सफर शुरू हुआ है। तो आज के इस सफर में इतना ही, एक और नए सफर में आपको लेकर चलेंगे और जानेंगे कि आखिर जनता का मूड और चुनावी मिजाज क्या है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।